हैं क्या होता है, आयोग का कान तक पहुंचता है तो ठीक ही है ना। तो आयोग तो आंख से कान से ही देख रहा है आजकल। आयोग जिस तरह से फिजिकल लेता है ना हम लोग का, दो तीन दिन तो लड़कियों का फिजिकल सही से था, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन उसके बाद से लड़कियों का फिजिकल एकदम बेकार तरीके से लिया गया। एक एक लड़की को 6 बार 4 बार 5 बार ऐसे ऐसे चांस दिया गया, ये क्या मतलब होता है। जो भी लड़कियां छोटी हुई है वो हाइट में छोटी हुई है, उसके अलावा उसको कैसे भी पास कर दिया गया हाइट में लॉन्ग में। जो लड़कियां मैदान में आज तक 9 फीट फान नहीं पा रही थी लॉन्ग जम्प, वो आज वहां पे क्वालिफाई थी। बिहार में दरोगा अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्याएं सामने ही आ रही है। आयोग पर एक से एक बढ़कर आरोप लग रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है, अभी हमारे साथ कुछ महिला दरोगा अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन लोगों के द्वारा आयोग को लेकर के बहुत नाराजगी है। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मैम हम लोग सर हम लोग का कट ऑफ से ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन था, जैसे एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार हम लोग का मार्क्स नहीं है। और यही आयोग से दरखास्त सब स्टूडेंट का है कि मतलब वो कार्बन कॉपी दे या फिर मार्कशीट जो है अपलोड करे नेट पे। तो इसके लिखित तौर पर कोई मांग की गई है क्या आयोग से? हाँ की गई है, तो उसका कोई जवाब नहीं है ना आरटीआई का कोई जवाब है। आरटीआई किया गया था आपने? हाँ, ऑफलाइन भी किया गया था, ऑफलाइन भी किया गया था, लेकिन कोई जवाब कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ, देखिए आप बोल रही हैं, बोलिए। और एक और बात बोलना है, जैसे कि आयोग जिस तरह से फिजिकल लेता है ना हम लोग का, दो तीन दिन तो लड़कियों का फिजिकल सही से था, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन उसके बाद से लड़कियों का फिजिकल एकदम बेकार तरीके से लिया गया। एक एक लड़की को 6 बार 4 बार 5 बार ऐसे ऐसे चांस दिया गया, ये क्या मतलब होता है। एक्चुअली चांस लड़कियों का या लड़कों का तीन चांस ही है, 3 चांस से ज्यादा नहीं है। जो लड़कियां जो हम खुद देखे हैं, मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड है, वो बोल रही है कि हम रोने लगे तो मेरा पास कर दिया गया, उसको 5 चांस 6 चांस ऐसे ही फिजिकल लिया गया, एकदम रफ एंड टफ से लड़कियों का फिजिकल लिया गया है। पहला और दूसरा दिन ही मतलब सही ढंग से लिया गया है। जो भी लड़कियां छठी हुई है वो हाइट में छठी हुई है, उसके अलावा उसको कैसे भी पास कर दिया गया हाइट में लॉन्ग में। जो लड़कियां मैदान में आज तक 9 फीट फान नहीं पा रही थी लॉन्ग जम्प, वो आज वहां पे क्वालिफाई थी। मतलब कहने का ये है कि पहले और दूसरे दिन सही तरीके से लिया गया, उसके बाद गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ी बढ़िया से बड़ी गड़बड़ी है, उसके लिए भी मतलब बहुत ढीला था। लड़का लोग का बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं किया गया है। तो चैलेंज है ये आयोग को कि आप ओएमआर सीट दीजिए या फिर कार्बन कॉपी दीजिए ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल दीजिए, क्यों आप जब कह रहे हैं कि कुछ इसमें त्रुटि नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप पारदर्शिता दिखाइए भाई। नीतीश कुमार की सरकार है, एक तरफ लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ लड़कियों के इस तरीके से डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाए, क्या लगता है आयोग आपकी सुनेगा? देखते हैं क्या होता है, आयोग का कान तक पहुंचता है तो ठीक ही है ना। तो आयोग तो आंख से कान से ही देख रहा है आजकल। कान से सुन लेता है, आवाज आपकी जाती है कान तक? देखा जाए जाती तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती। वो कोई भी एग्जाम हो, केस होता ही है कोई भी पेपर में, कम से कम वो कोई भी एग्जाम ले कार्बन कॉपी दे दे तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार का कोई भी नौकरी आप देख लीजिए, बिना केस किए बिना कोर्ट में पहुंचे आप नौकरी पा लें तो समझिए कि भाग्य। बिना प्रदर्शन का कोई प्रतियोगी परीक्षाएं सफल ही नहीं होती, कतई नहीं, समझिए वैतरणी नदी पार करके आपको जाना है। तो आप लोगों को मतलब 3 चरण इसी के लिए है, पहला आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करिए, दूसरा प्रदर्शन का और तीसरा कोर्ट तक का। बिल्कुल यही तो चल रहा है आजकल। अब आप लोग क्या करेंगे? अब समझ से बाहर की बात है कि अब आगे क्या करना है, अब तो सब आयोग के ऊपर ही निर्भर करता है, आयोग अब जो जो करवा ले, क्योंकि इनकी नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आयोग अगर अपने तरफ से सब कुछ प्रदर्शिता के साथ कर रहा है तो फिर कार्बन कॉपी या ओएमआर सीट दे करके अब इन जो भी महिला दरोगा अभ्यर्थी हैं इनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। आयोग आखिरकार इन बातों से क्यों मुकर रहा है, और आयोग का मुकरना ही सबसे बड़ा सवाल आयोग के ऊपर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि इन बच्चियों का प्रदर्शन कब तक होगा, कब तक इन्हें रोडों पर भटकना पड़ेगा, कब तक न्यायालय में दौड़ लगानी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। आखिरकार आयोग इस तरीके से मनमानी कैसे कर सकता है, सवाल मेरा नहीं बल्कि सवाल उन तमाम अभ्यर्थियों का है जिनको आयोग ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।